स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे साथ में। और आज मैं आपको यहाँ पे जो बेसिक जो है बेस की वजह से बूम या आपके यूं कहें कि लो जो ये यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी है उसकी वजह से कैसे बूमिंग आती है और कंट्रोल कैसे करें। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ साथ ही साथ जैसे आप बेस लगाते हो वो चीज़ भी मायने रखती है कि उस बेस का लेवल कितना है। और दूसरी चीज़ सबसे मेन टॉपिक क्या है, जब आप कोई फेडर पे माइक ऑन करते हो, जैसे हमने इस फेडर पे या इस फेडर पे किसी फेडर पे माइक ऑन कर दिया, मतलब हमने इस फेडर पे माइक ऑन किया, तो हमें ध्यान देने वाली बात होती है। जैसे ये मैं फ्रिक्वेंसी आपको दिखा रहा हूँ, एक एक फ्रिक्वेंसी सामने कि ये फ्रिक्वेंसी है। अब इसमें आपका ये लो जो है, अगर ये हाई होगा यूं कहें कि, और यहाँ से ऊपर से फ्रिक्वेंसी आपने अगर गौर नहीं किया है और फ्रिक्वेंसी यहाँ बढ़ा दी है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अनुरोध इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सब्सक्रिप्शन हमें खुशियाँ देता है। देखो अब टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से ये सारी चीज़ें क्या है, नॉर्मल बेसिक चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से ऑन रखना है, यहाँ से ऑन रखना है, साथ के साथ एसटी ऑन रखना है, यानी यूं कहें कि ये जो आपका पॉइंट है स्टूडियो पॉइंट ऑन रखना है, और ऊपर से ये गेन, और साथ के साथ कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये 26 dB प्रेस हो। ये प्रेस होता है, मैंने स्पेशली इसके लिए एक वीडियो बना के आपको दी है कि ये आपको 26 dB कब यूज करें, यानी कि पैड कब यूज करें। तो ये चीज़ गौर करने वाली बात होती है, अगर ये आपका प्रेस है तो आप यहाँ से लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से जो आउटपुट मिलनी चाहिए वो आउटपुट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो 26 dB आपका एटेन्यूएट कर देगा, यानी रोक देगा। अब बात करते हैं, जब आपकी बूमिंग आ रही है, कंट्रोल आप करना चाह रहे हैं इस माइक पे, कोई तबला है, वोकल है, गिटार है, कुछ भी लगा हुआ बूम आ रही, तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ से ये बेस कम करना है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही, कुछ ज़्यादा है, तो देखो यहाँ से आप जाइए और आप जैसे इसके GEQ पे प्रेस करेंगे आपका ये पिच खुल के आ जाएगा 4/4। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ की फ्रिक्वेंसी आपको चाहिए, जैसे मान लो कि आपको लग रहा है ज़्यादा ही बूम आ रहा है, तो यहाँ से हल्की सी फ्रिक्वेंसी दबा दो, हल्की सी, फिर आगे गौर कर लो। अगर अभी भी नहीं कंट्रोल रहा है तो ये देख लो, फिर हल्की सी इसमें यहाँ पे भी दबा दो, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो ना उसको कट कर दो। खास बात मैं यहाँ पे बूम के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको स्पेशल बता रहा हूँ। यहाँ से जब प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे टोटल फ्रिक्वेंसी जो है, जो जितनी इधर ही हैं, सब आपको बेस ऑटोमेटिक कंट्रोल मिल जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि आप जब भी इसे छेड़े तो यहाँ पे ध्यान रख के छेड़ें, अदरवाइज आपकी जो बैलेंसिंग है वो प्रॉब्लम कर सकती है। तो आपको जो ये फेडर है उस पर मेंटेन करते हुए, और साथ के साथ जो आपने बेस लगा रखा है, यानी यूं कहें कि जो बेस ही दे रखा है, उस पर भी आपका नोब जो होता है एम्पलीफायर में, उसको भी कंट्रोल करना होता। तो ये बेसिक जानकारी हमने आपको बताई है। मुझे लगता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें गौर करेंगे, बेसिकली ये फ्रिक्वेंसी आपको बेस कंट्रोल करने में मदद करेगी। और सबसे खास बात होती है ये माइक की पोजीशन। अगर माइक की पोजीशन आपका सीधा यूं कहें स्पीकर के, जो आप बोलते हो स्पीकर या अलग अलग भाषा में जो जीव बोलते हैं, तो या मॉनिटर, उसके पास आप ऐसे लगा देंगे, ऐसे पोजीशन लगा देंगे, सीधा ऐसे लगा दिया, तो वो बूम मारने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो थोड़ी सी सावधानी उसको भी बरतनी है। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर उनको करो जिनको इसकी ज़रूरत है। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।